हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 चालू करेंगे। अब तक हमने 3.1 देख लिया एंड थ्योरम्स जो 3.2 के लिए चाहिए, दैट इज टचिंग सर्कल्स का थ्योरम, वो देख लिया, जिसके अंदर हमने सीखा कि दो तरह से सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच कर सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एंड इम्पॉर्टेंट चीज इसमें हमने बस यही याद रखनी है कि दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, दोनों सर्कल्स का कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सी इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो दोनों पॉइंट्स, दोनों रेडियस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो उसी के ऊपर होता है। कहने का मतलब कि वो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होते हैं। ये हमने थियरम में सीखा ऑफ टचिंग सर्कल्स के, रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही लाइन के ऊपर होते है, दे लाई ऑन द सेम लाइन, ओके, इन शॉर्ट दे आर कोलिनियर। तो ये बात आपको यहाँ पे खाली बस याद रखनी है थ्योरम की हेल्प से। लेट्स स्टार्ट द सम। इसमें हमें दिया हुआ है कि टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि सर्कल्स जो है, यहाँ पर जो मैंने बनाया, यहाँ पे सर्कल्स विथ रेडियस, रेडियस का प्लूरल है रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर्स एंड 4.8 सेंटीमीटर्स टच इंटरनली, ओके। तो मैंने यहाँ पे इंटरनली टचिंग का दो सर्कल्स ड्रॉ करके रखा है। कॉमन सेंस है 3.5 है, इट मींस छोटा वाला, ये वाला सर्कल जो है 3.5 सेंटीमीटर का है और ये वाला 4.8 सेंटीमीटर का है। Now we are supposed to find the distance. We are supposed to find the distance between their centers. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनके सेंटर के बीच में, ये दोनों के सेंटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो ढूंढना है। तो ये ए बी, इन शॉर्ट हमें ढूंढना है ए बी क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है, ये हमें ढूंढना है। ये दोनों के सेंटर्स है, बी इज द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ए इज द सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल, तो दोनों के सेंटर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है वो ढूंढना है, ओके। सो नाउ बहुत ही सिंपल सा चीज हमें पहले डिफाइन करना है, ये कि लेट ए एंड बी बी द सेंटर्स ऑफ सर्कल टचिंग इंटरनली एट पॉइंट सी। तो ये पहले हम डिफाइन करेंगे हमारा डायग्राम कि ए और बी को सेंटर्स ऑफ सर्कल रहने दो, जो एक दूसरे को इंटरनली, यानी कि एक के अंदर दूसरा सर्कल, दैट इज इंटरनली टच करते हैं एट पॉइंट सी, ओके। एंड नाउ हम दो रेडियस वो लोग ने कहा है, तो कॉमन सेंस से 3.5 छोटे सर्कल का होगा, 4.8 बड़े सर्कल का होगा, तो बस हमें वो लिख देना है। लेट R1, एक को हम डिफाइन कर देंगे R1 इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर A। तो एक को हम डिफाइन कर रहे हैं कि R1 को A के साथ, सेंटर ऑफ A के साथ सर्कल का रेडियस रहने दीजिए, एंड R2 को रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर बी, उस हिसाब से हम असाइन करेंगे। देयरफोर ए सी दैट इज आर वन विल बी 4.8 सेंटीमीटर, ओके, इसको हम वन दे देंगे। और उसी हिसाब से डायग्राम को देखते हुए एंड हमारे इस डेफिनेशन लाइन को देखते हुए BC जो कि सेकेंड रेडियस हो जाएगा R2, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3.5, और ये तो कॉमन सेंस है, बड़ा सर्कल का 3.5 नहीं हो सकता है, ओके, तो छोटे सर्कल का 3.5 एंड बड़े सर्कल का 4.8, इसको हम 2 दे दें।
अब वी नो बाय थ्योरम के ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, हमें पता है कि टू सर्कल्स आर टचिंग सर्कल्स, अगर दो सर्कल्स टचिंग सर्कल्स है तो कॉमन पॉइंट उनके दोनों के जॉइनिंग सेंटर्स के ऊपर आता है, इट मींस ये कोलिनियर होता है, ओके एक ही लाइन में फॉर्म होता है, तो वो हम लाइन लिखेंगे कि इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देन द कॉमन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, तो उनके सेंटर्स को जॉइन होने वाली लाइन के ऊपर ही उनका कॉमन पॉइंट होता है, ये लाइन कहती है, ओके ये हमने थ्योरम में देखा था, दैट इज इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहां पर ये जो लाइन में अगर जॉइन करता हूं तो ये कोलिनियर होता है, ये कोलिनियर होता है, दैट इज ए बी प्लस बी सी विल बी ए सी, ओके दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियर लाइन्स, सो वही हम लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी विल गिव मी लेंथ ए सी, ओके सो इसके हिसाब से दिस इज वाई, इसका रीजन क्या है, बिकॉज दे आर कोलिनियर, एंड इसके हिसाब से अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां पर हमें ए बी ढूंढना है, वी आर सपोज टू फाइंड ए बी, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर दिया सेंटर्स का डिस्टेंस कितना है, तो वो हम लिखेंगे लेंथ ए बी, बाकी दो वैल्यू हमारे पास है, बी सी का वैल्यू है 3.5 छोटे सर्कल का रेडियस, एंड यहां पर बड़े सर्कल का रेडियस इज 4.8, अब ये नंबर यहां चला जाएगा, सो विल गेट लेंथ ए बी इज इक्वल टू 4.8 माइनस 3.5, बहुत आसान बहुत सिंपल, 853 एंड 431, 1.3 सेंटीमीटर्स इज द लेंथ ऑफ ए बी विच इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स ऑफ टू टचिंग सर्कल्स इंटरनली, तो उनके फॉर्मेट में आंसर लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द गिवन सर्कल्स इज 1.3 सेंटीमीटर्स, ओके बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से फर्स्ट सम हमारा हो गया, जिसके अंदर हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फाइंड करना था, ये चीज हमें फाइंड करनी थी, और हमें रेडियस दोनों का दिया हुआ था, द ओनली थिंग वी वे सपोज टू नो कि ये लाइंस कोलिनियर है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इसीलिए उनको एड करने पर हमें वो वैल्यू मिल जाएगा, ओके लेट्स गो फॉर द सेकेंड सम, सो सेकेंड सम देखेंगे, वैसा ही सम है, खाली इस बार हमें सर्कल्स को एक्सटर्नली वो लोग ने दिया हुआ है, ओके लास्ट समय हमने देखा इंटरनली था, यहां पर एक्सटर्नली वो लोग ने टचिंग सर्कल्स दिया हुआ है, एंड अगेन वी आर सपोज टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें ढूंढना है, ये डिस्टेंस हमें ढूंढना है, ओके सो लेट्स स्टार्ट क्विकली, दैट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो यहां पर देखिए कॉमन सेंस है, ये बड़ा सर्कल है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 5.5, और ये वाला रेडियस कितना है, वो लोग दिया 4.2 सेंटीमीटर, ओके सो दे आर सपोज दे आर टेलिंग अस टू फाइंड ए बी, तो ये देखकर ही पता पड़ता है कि ए सी प्लस सी बी इज नथिंग बट ए बी, ओके तो बस यही हमें करना है, एंड वी नो द प्रॉपर्टी कि टचिंग सर्कल्स कॉमन पॉइंट से पास होता है एक ही लाइन पे पूरा, इट मींस दे आर कोलिनियर, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करके बड़े आसानी से ये ऐड करके डिस्टेंस बता देंगे, सो लेट्स क्विकली राइट इट, गिवन में लिखना है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली
हैविंग रेड ए, हैविंग रेड आई. 5.5 सेंटीमीटर्स एंड 4.2 सेंटीमीटर्स. ओके, टू फाइंड में हमें लेंथ ए बी ढूंढना है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज ए बी, लेंथ ए बी. लेट्स स्टार्ट. एकदम सिंपल, हमें डिफाइन करते बड़ा सर्कल कौन सा है, छोटा सर्कल का सेंटर क्या है, तो वो हम डिफाइन करते. लेट द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल बी ए एंड द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल बी बी. ओके, उस हिसाब से therefore length AC that would be my R1 will be 5.5 centimeters and length BC which is my R2 will be my 4.2 centimeters. okay, ये हमें given information है. अब इनको हम add करने वाले हैं, so हम फिर से statement लिखेंगे. if two circles आर टचिंग सर्कल्स, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कंपल्सरी, याद कर लेना है ये. इफ टू सर्कल्स आर टचिंग सर्कल्स देन द कॉमन पॉइंट लाइज, लाइज यानी उसके ऊपर है वो, लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स. उनके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर ही उनका कॉमन पॉइंट आता है. ये लाइन आपको कंपलसरी लिखनी है. ओके, इट मींस दैट, इसका मीनिंग ये है, इट मींस दैट कि वो कोलिनियर है. दैट इज लेंथ ए बी इज नथिंग बट लेंथ ए सी plus length BC because they are collinear points, एक ही लाइन में है. अब मेरे पास ये वैल्यूज पुट कर देना है सिंपल सा. ओके, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे ये सॉल्व करना था. तो 5.5 plus 4.2 that is 527 and 549 that is 9.7 centimeters. यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विच इज लेंथ ए बी इज 9.7 सेंटीमीटर्स. तो फाइनल आंसर लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द गिवन सर्कल्स इज 9.7 सेंटीमीटर्स. बहुत आसान, बहुत सिंपल सा सम. ओके, ये सेकेंड सम भी हो गया हमारा. एक्सटर्नली सर्कल्स को ज्वाइन करते हुए कॉमन पॉइंट उनका सी था, उनका रेडियस को हम ऐड कर देते हैं तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मिल जाता है. तो इससे आपको दोनों सम से आपको ये बात याद रखनी है, दोनों सम हमने जो किए उससे आपको ये बात याद रखनी है कि जब इंटरनली सर्कल टच करता है, इंटरनली सर्कल टच करता है, तब उनके रेडियस में जो डिफरेंस आता है, उनके रेडियस में जो डिफरेंस आता है वो हमें डिस्टेंस देता है ऑफ देयर सेंटर, डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स देता है. ओके, एंड अगर सर्कल एक्सटर्नली है, अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करता है तो उनके रेडियस को एड करने पर हमें उनके रेडियस को ऐड करने पर डिस्टेंस पता पड़ता है, डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स पता चलता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं पे नोट डाउन कर लेना. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं पे नोट डाउन कर लेना. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी
हमने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया सेम पूरा का पूरा वैसा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि आप दो सर्कल्स वैसे बनाइए जिसका सेंटर्स जिसका रेडियस एक का 4 सेंटीमीटर है एंड दूसरे का रेडियस 2.8 सेंटीमीटर है। एक बार उसको एक्सटर्नली सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैंने एक्सटर्नली का फिगर बनाया, और एक बार आपको उसको इंटरनली सॉल्व करना है तो यहाँ पे सेकेंड फिगर हमारा इंटरनली उसको हम सॉल्व करेंगे। दोनों टाइम वी आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस हमें ढूंढना है दोनों टाइम। ओके, वी आर गिवन दैट रेडियस ऑफ वन सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल्स हम बोलेंगे इज 4 सेंटीमीटर्स एंड 2.8 सेंटीमीटर्स। ओके, सो ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है एंड हमने अभी तक जो सम किया वैसा ही पूरा का पूरा सेम, खाली एक के अंदर दोनों दे दिया है। ओके, तो जल्दी से डिफाइन करते हैं। लेट ए एंड बी बी द सेंटर्स ऑफ द गिवन सर्कल। तो हमने पहले बताना है इनको कि हम ए और बी को सेंटर्स घोषित कर रहे हैं ऑफ द गिवन सर्कल्स विथ, कॉमन पॉइंट बताना है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। तो यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पर सी है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, यहां पर भी सी है। ओके, देयरफोर लेंथ ए सी, एक को हम घोषित करेंगे आर वन, बड़े वाले को हम आर वन पर रखेंगे। ओके, दिस विल बी माई आर वन, ओके दिस विल बी माई आर टू, ओके आर वन विच विल बी माई 4 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ बी सी विल बी माई आर टू विच इज स्मॉलर सर्कल का 2.8 सेंटीमीटर्स। बहुत आसान, बहुत सिंपल, ये हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, ये हम आगे यूज करने वाले हैं, सो इसको हम पॉइंट नंबर वन दे देंगे। फिर हमारा स्टेटमेंट जो कंपलसरी मैंने बोला आपको लिखना है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देन द कॉमन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, जॉइनिंग द सेंटर्स। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट टू हो जाएगा। यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कॉम, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ये ए फिगर ले लेंगे और ये बी फिगर ले लेंगे एंड ये बी, ताकि ये पॉइंट वन और ये हमारा पॉइंट टू, ये दोनों पॉइंट को हम यूज करके अभी इंटरनली और एक्सटर्नली एक एक बार आंसर दोनों टाइम निकालना है वो लिखेंगे। ओके, सो कंटिन्यूइंग, पहले हम सर्कल्स टचिंग, मैंने क्या दिया था, ए दिया था, राइट, हम पहले ए वाला सॉल्व करेंगे, दैट इज सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ये देखो एक्सटर्नली यहां पे टच कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट सम में ही बताया यहां पर कि जब एक्सटर्नली सर्कल टच करते हैं तो दोनों के डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स कैसे पता पड़ेंगे, रेडियस को एड कर दो, रेडियस को एड कर दो। तो यहां पर हम वही करने वाले हैं, देयरफोर लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ए सी प्लस लेंथ बी सी। ओके, तो यहां पर देखेंगे लेंथ ए सी बी सी को एड करके हमको मिल जाएगा लेंथ ए बी। ओके, ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि पहली बात तो फ्रॉम वन टू और वो कोलिनियर है, राइट, फ्रॉम टू एंड ऑल्सो दे आर इन वन लाइन, दैट इज कोलिनियर पॉइंट। अब इनके मेजरमेंट्स लिख देंगे, देयरफोर लेंथ ए बी, यही हमें ढूंढना है, लेंथ ए बी हमें ढूंढना है। हमारे पास ये आंसर है 4 और ये आंसर है हमारे पास 2.8, बहुत सिंपल सा आंसर, 4 और 2 होता है 6 और 0.8 सेंटीमीटर्स। सो लेंथ ए बी दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स हमें मिल चुका है। अब सेकेंड वाला हम करेंगे,
इंटरनली के लिए सर्कल्स टचिंग इंटरनली। अब यहां पर फिर से मैंने लास्ट में ही आपको बताया था इंटरनली अगर सर्कल्स है तो उनके डिस्टेंस को पता करने के लिए क्या करना है, वो दोनों रेडियस को माइनस कर दो, बड़े वाले रेडियस दैट इज आर वन में से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर दो। तो यहां पर हम लोग AC इज योर बिगर रेडियस, उसमें से हम स्मॉलर रेडियस BC माइनस कर देंगे तो हमें अपने आप हमारा डिस्टेंस ऑफ द सेंटर मिल जाएगा, दैट इज ए बी। ओके, तो यहां पर वो लिखेंगे अभी हम कि देयरफॉर लेंथ AC इज इक्वल टू लेंथ AB प्लस लेंथ BC। फिर से सेम रीजन है ये, फ्रॉम टू ऑल्सो दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। इस बार बी बीच में है, याद रखना, यहां पर सी बीच में है, यहां पर बी बीच में है। ओके, अब हम वैल्यूज लिखेंगे। फोर था यहां पे, यहां पर हम यही ढूंढने वाले हैं और यहां पे हमारे पास 2.8 है। तो लेंथ ए बी इज नथिंग बट 4 माइनस 2.8। ये मैं आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं, कि इंटरनली होगा तो रेडियस को माइनस करना है एंड एक्सटर्नली होगा तो रेडियस को प्लस करना है। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। 4 माइनस 2.8 क्या होगा, 1.2 सेंटीमीटर। इस तरह से दोनों ही हमें डिस्टेंस मिल गए। डिस्टेंस फाइंड करना था हमें, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस फाइंड करना था, एक बार एक्सटर्नली एक बार इंटरनली। ओके, तो दैट वाज योर थर्ड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट सम हमारा फोर्थ सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है हमारा। ओके, इसके अंदर हमें दो सर्कल्स दिए हैं जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन। ओके, द सर्कल्स विद सेंटर पी एंड क्यू, यहां पर हमें दो सर्कल्स दिए विद सेंटर पी एंड सेंटर क्यू, टच ईच अदर एट आर, यहां पर ये पॉइंट हमारा आर, एट पॉइंट आर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये लाइन से हमको समझना है कि वो तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। ओके, ये एक ही लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट आते हैं, ये आपको लॉजिक अभी समझना है, टचिंग सर्कल्स का ये थियरम है। ओके, नेक्स्ट आगे इंफॉर्मेशन दिया है कि देयर इज आल्सो अ लाइन, एक और लाइन है दैट इज ए बी, यहां से ए बी, दिस लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू आर, ये लाइन भी आर से पास हो रही है। इससे आपको समझना है कि ये तीनों पॉइंट दैट इज ए आर एंड बी, ये लोग भी आपस में कोलिनियर है, ये लोग भी एक ही लाइन पर है। ओके, तो ये लॉजिक आपको यहां पर समझना है। ओके, आगे रीड करेंगे, वी आर सपोज टू प्रूव कि लाइन एपी इज पैरेलल टू लाइन बीक्यू। तो लेट्स सी एपी और बीक्यू कहां पे, तो ये रहा आपका एपी, दिस इज योर एपी लाइन, ये पैरेलल है यहां पर बीक्यू से, ये हमें प्रूव करना है। लाइन आर पैरेलल, पैरेलल है यानी कि वो आपस में इंटरसेक्ट कभी करेगी नहीं, दैट इज एपी एंड बी क्यू पैरेलल है, ये प्रूफ करना है, पहला प्रूफ। ओके, सेकेंड प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल ए पी आर, तो लेट्स ट्रैक ए पी आर कहां पे है, तो दिस इज योर ट्राइंगल ए पी आर, यानी कि ये ट्राइंगल जो है हमारा ए पी आर ट्राइंगल जो है हमारा, ओके, ए पी आर इज सिमिलर, इट इज सिमिलर टू आर क्यू बी, तो आर क्यू बी हमारा यहाँ पे आर क्यू बी, ओके, इससे सिमिलर है, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, अंदर जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है APR, वो ट्राइंगल RQB से सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। थर्ड प्रूफ हमारा है कि फाइंड RQB, RQB का मेजरमेंट बताओ, RQB का आप मेजरमेंट बताओ, यानी कि ये वाले एंगल का RQB, मतलब ये एंगल का आप मेजरमेंट बताओ, RQB ये एंगल का आपको मेजरमेंट बताना है, अगर PAR इज 35 डिग्री, तो यानी कि PAR अगर ये 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो आप यहां पर कितना डिग्री होगा ये बताना है। तो दैट इज, सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझे पूरा अच्छी तरह से, तीन चीजें हमें करनी है इसके अंदर, लाइन AP पैरेलल टू BQ बताना है,
दो ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है और एक एंगल का मेजरमेंट बताना है जब दूसरा एंगल हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है ए और ये बी यानी वन और टू जो प्रूफ है ये साइमल्टेनियसली प्रूफ होगा, साथ में ही ये प्रूफ हो जाएगा। ओके सो पहले तो लॉजिक अब समझते हैं कि पैरेलल लाइंस कैसे प्रूफ होती है। पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है उसमें ट्रांसवर्सल जाता है, ट्रांसवर्सल के बिना पैरेलल लाइंस की कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। तो ट्रांसवर्सल जैसे ही पास होता है दो पैरेलल लाइन में से तो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं। यहां पर हम सिर्फ ध्यान देंगे अल्टरनेट एंगल्स के ऊपर। तो हमें यहां पर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल है दैट इज ए बी ट्रांसवर्सल है, उसमें अगर मैं एंगल्स को अल्टरनेट एंगल यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ, अल्टरनेट एंगल यानी कि ये एंगल इक्वल टू दिस दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये मैं प्रूफ कर देता हूँ तो मैं बोल दूंगा बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इसके अल्टरनेट एंगल टेस्ट से मैं बता दूंगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन सी? एपी और बीक्यू, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ओके इसके बाद ये चीज तो साथ में ही, ये चीज तो हम साथ में ही प्रूफ कर देंगे जब हम ट्राइंगल को, ट्राइंगल्स को प्रूफ तभी कर देंगे जब हम पैरेलल लाइंस के लिए ए और बी को इक्वल करने के लिए लिखेंगे। ठीक है, ये तो हम देखेंगे साथ में। नाउ ये भी सिंपल है, एक बार हमें ये मेजरमेंट्स और ये आपस में एंगल्स का रिलेशन पता पड़ जाता है तो आर क्यू बी को ढूंढना इजी हो जाएगा। ओके लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सम। खाली हमें लॉजिक ये वाले टाइम ही ध्यान रखना है कि हम ट्राइंगल को कैसे सिमिलर प्रूफ करते हुए लाइन को पैरेलल प्रूफ करने वाले हैं, यही चीज पे ध्यान देना है। ओके मैंने यहाँ पे फिर से पूरा क्वेश्चन लिख के रखा है, गिवन टू प्रूफ आपको जैसे मैंने यहाँ लिखा वैसे ही लिखना है। ओके एंड फिर लेट्स स्टार्ट द सम। यहाँ पर मैंने फिर से आपके ये बना के रखा हुआ है, इसमें हम कैसे अप्रूव करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके सो लेट मी क्विकली टेल यू कि ये अगर जो सर्कल्स है, ये अगर जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं तो एक सर्कल के अंदर उसके रेडियस आपस में इक्वल होंगे, उसके रेडियस आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब कि अगर मैं कहता हूं, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि एपी रेडियस ऑफ सर्कल है तो पीआर भी तो रेडियस ऑफ सर्कल है, तो एपी विल बी इक्वल टू पीआर। ये बात को एग्री करेंगे आप लोग, एक ही सर्कल का रेडियस है तो रेडियस आपस में इक्वल होगा। ओके नाउ सेम चीज यहां पर नोटिस करेंगे, कि यहां पर जो ये वाले सर्कल के अंदर जिसके सेंटर क्यू है उसके अंदर आप देखिए QR एक रेडियस है और QB रेडियस है दूसरा, दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं? रेडियस है तो फिर से दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके तो ये लॉजिक भी आपको याद रखना है, समझना है कि एक ही सर्कल का दोनों रेडियस आपस में इक्वल होगा। अब सिर्फ इतने से ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे, इसके अंदर जो ट्राइंगल है वो देखेंगे। वो ट्राइंगल क्या है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पी ए आर। ओके इसमें अब भी हमने प्रूफ किया कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है तो इक्वल होगा। तो ये कौन सा ट्राइंगल है जिसके अंदर दो साइड इक्वल होते हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? आइसोसेलस ट्राइंगल हो जाएगा। तो उसके हेल्प से ऑपोजिट एंगल उसके जो है, बेस एंगल जो होते हैं वो भी सेम हो जाएंगे, तो ये लॉजिक आपको यहाँ पे याद रखना है कि एंगल जो यहाँ पर है दैट इज ए विल बी इक्वल टू यहाँ पर एंगल जो है आर। इन शॉर्ट PAR विल बी इक्वल टू PRA। रीजन क्या होगा? आइसोसेलस ट्राइंगल थियरम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सेम लॉजिक, पूरा का पूरा सेम लॉजिक यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल में देखेंगे। ये वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? यहाँ पर BQR। ओके यहां पर भी अभी मैंने बताया QR और QB दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे आपस में, दोनों आपस में इक्वल है तो ये ट्राइंगल के अंदर भी ये आइसोसेलस ट्राइंगल हो जाएगा और उसके बेस एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमें पता पड़ेगा एंगल QRB विल बी इक्वल टू QBR। तो ये भी हमें रिलेशन यूज करना है। सो ये एक आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं सम का, कि ये सम हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। इसका लॉजिक आपको जैसे ही समझेगा तो लिखने में आसानी होगी। तो जैसे ही हम ये दोनों ट्राइंगल को इंडिविजुअली आइसोसेलस ट्राइंगल डिक्लेयर कर देंगे उसके बाद हम एक रिलेशन आपस में जोड़ेंगे कि ये भी स्ट्रेट लाइन था, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ए आर बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ये भी स्ट्रेट लाइन है, पी आर क्यू ऑल्सो स्ट्रेट लाइन।
यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। वो कौन सा एंगल हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल किससे इक्वल हो जाएगा? ये वाला एंगल से इक्वल हो जाएगा। ओके सो अभी यहां पर हमने इसको इससे इक्वल कहा था और ये वाले को यहां पर हमने इसको इससे इक्वल कहा था और ये दोनों अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताया। कहने का मतलब ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये चारों के चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ओके तो आप फिर से थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखेंगे, जैसे हम सम लिखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम सम चालू करेंगे, यहाँ पर प्रूफ लिखना चालू करेंगे। गिवन टू प्रूफ मैंने लिख दिया है, मैं प्रूफ लिखना चालू कर रहा हूं। ध्यान से एकदम आराम से स्लोली, सबसे पहले इन सर्कल विथ सेंटर पी। तो पहले पी वाला यानी ये वाले सर्कल की हम बात करेंगे विथ सेंटर पी। ओके विथ सेंटर पी एपी इज इक्वल टू पी आर। तो ये एकदम सिंपल सा लॉजिक देखो, एपी विल बी इक्वल टू पी आर। क्यू बाबा? क्यू क्योंकि दे आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस तो सेम होगा। तो ये रीजन है यहां पर कि एपी इज इक्वल टू पी आर। ओके इससे देयरफोर ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा? ये जो ट्राइंगल होगा एपीआर ट्राइंगल होगा वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ओके तो ट्राइंगल एपीआर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो दो साइड उसके अगर सेम होते तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और उसके ऑपोजिट बेस एंगल्स भी सेम होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में वही लिखने वाला हूं, पहले यहां पे रीजन लिख देंगे कि ये साइड्स है इसीलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये कन्वर्स हो जाएगा। रीजन यहां पे लिखेंगे कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे। ओके फिर जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्यों बता रहा हूं, ताकि मैं दो एंगल को सेम बताऊं। कौन से एंगल? इसके बेस एंगल क्या है? PAR। तो एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRA। ये वाला पार्ट इससे इक्वल है। ओके ये हमने अभी प्रूफ कर दिया, ये इससे इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, इसको वन आगे यूज करना है हमने, यहां लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके अब सेम चीज पूरा सेकेंड सर्कल में करेंगे, इन सर्कल विद सेंटर क्यू, सेम चीज क्यू आर एंड क्यू बी विल बी इक्वल। क्यू बाबा? क्योंकि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके सेम चीज पूरा सेम चीज है। अब ये भी ट्राइंगल के अंदर, अगर ये भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड अगर सेम हो जाएंगे तो फिर से ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा बाबा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल BQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके रीजन क्या होगा? फिर से कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि मैं इनके ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल बोल सकूं। तो मैं वो लाइन लिखूंगा देयरफोर एंगल क्यू आर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू डी आर। इसको हम दे देंगे टू और रीजन लिख देंगे फिर से सेम आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम।
अभी तक हमने दो बार एक ही काम किया है, एक बार बड़े ये वाले सर्कल को हमने सेम चीज किया, वही हमने दूसरे सर्कल में काम किया और हमने देखिए वन एंड टू ये दो इक्वेशन हमने बना दिए जो हम यूज करने वाले। ओके सो अब तक ये वाले में हमने ए और यहां पर आर और ये वाले में हमने देखिए इस दोनों को सेम बता दिया। अब जैसे कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम लोग यहां का एंगल और यहां का एंगल दोनों अलग अलग ट्राइंगल के एक एक एंगल को सेम बताने वाले है। तो नेक्स्ट काम हम वही करने वाले हैं। ओके सो नेक्स्ट इस पे हम जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। फिर से यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, सोल्यूशन नंबर फोर है ये, सम नंबर फोर है, प्रूफ चल रहा है उसका। ओके सो आई एम गोना राइट नाउ इन ट्राइंगल ए पी आर, ए पी आर एंड ट्राइंगल आर क्यू बी। ओके सो यहां पर देख लेंगे एक बार, ए पी आर ये वाले ट्राइंगल की मैं बात करने वाला हूं और आर क्यू बी। ओके मैं काम करता हूं रफली यहां पे वो ट्राइंगल बना देता हूं। ओके ए पी आर एंड आर क्यू बी। ओके ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं सर्कल के अंदर हमारा जो है। ओके सो इसके अंदर हमने अभी देखा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है हमारा ये ए आर पी और क्यू आर बी, ये दोनों क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं वही लिखने वाला हूं कि एंगल ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू। तो ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर क्यू, रीजन क्या लिखेंगे हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके बहुत ही सिंपल, और इसको हम दे देंगे पॉइंट नंबर हमारा थ्री। ओके पॉइंट नंबर थ्री, अब हमारा जो वन टू थ्री ये पॉइंट्स है इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर फिर से ध्यान देंगे, हमने पहले वाले पॉइंट में यहां पर हमने प्रूफ किया, हमने यहां पर प्रूफ किया कि ये वाला पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ओके ये एंगल कूल। फिर हमने यहां पर प्रूफ किया, सेकंड में प्रूफ किया कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ओके एंड अब भी हमने थर्ड में हमने यहां पर प्रूफ किया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जरा तीनों को लिंक करने पर हमें पता चलता है कि ये चारों आपस में इक्वल है, ये चारों आपस में इक्वल है। इट मींस अगर ये एक जैसे कि वो लोग ने दिया है 35 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो ये चारों आपस में इक्वल है, जिससे यहां पर डायरेक्ट देखो ए और बी ये भी इक्वल हो गया। तो यही चीज मुझे बतानी है यहाँ पर, मेन चीज जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि दो पैरेलल के लाइन के बीच में हमने ट्रांसवर्सल जो है ए बी उसमें यहाँ का एंगल ए और यहाँ का एंगल बी इक्वल बता देना है, उसके लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा था। तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देयरफोर एंगल पी ए आर जो पहले पॉइंट से आया इज इक्वल टू एंगल पी आर ए विच इज इक्वल टू बी आर क्यू विच इज इक्वल टू क्यू बी आर। तो यही देखो ये चारों आपस में इक्वल है, ये लाइन हमने लिख दी, ये हमने फॉर्म किया फोर्थ इक्वेशन, ये हमने फोर्थ इक्वेशन फॉर्म किया किसकी हेल्प से, फ्रॉम वन टू एंड थ्री हमने हमारे तीनों जो इक्वेशंस फॉर्म किए अभी तक उनको आपस में कंपेयर करके एक फोर्थ स्टेटमेंट बनाया जिसके अंदर हमने ये चारों को इक्वल बता दिया। अब इसके अंदर से मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है ए वाले में और बी वाले में,
तो मैं लिखूंगा यहां पे देयरफोर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. ओके, यहां पर लिख देंगे फ्रॉम फोर. अब ये मैंने बताया क्यों, क्योंकि मुझे क्या बताना था, यहां पे पैरेलल लाइन बताना था, तो वो लाइन लिखूंगा मैं देयरफोर लाइन एपी पैरेलल टू लाइन BQ and AB is the transversal. AB is the transversal. Reason क्या होगा इसका? Alternate angle है ना ये, तो alternate angle test. यहां पर reason में नीचे लिख रहा हूं alternate angle test. तो दो line के बीच में जब alternate angle होते हैं तो वो line parallel होती है. ये अल्टरनेट एंगल टेस्ट से हमने प्रूफ कर दिया. ओके, तो ये पहला प्रूफ हो गया हमारा. तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूफ. पहला प्रूफ हो गया हमारा, फर्स्ट प्रूफ था यहां पर. ये वाला प्रूफ था, हमने ये वाला प्रूफ कर दिया. अब इसका हम हाफ प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं ये प्रूफ करने में, तो लेट्स जस्ट राइट दैट डाउन. हमने ये ट्राइंगल को ऑलरेडी देखो एंगल, दो दो एंगल को प्रूफ कर दिया है, तो वही लाइन लिख के हमने सेकेंड वाला प्रूफ हमने करना है. यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 4 चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट सम. सेकेंड वाला प्रूफ हम करने जा रहे हैं, तो वो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल आर क्यू बी. तो ये दोनों जो ट्राइंगल है ए पी आर और आर क्यू बी, ये जो ट्राइंगल है उसके अंदर दो दो एंगल हम ऑलरेडी बता चुके हैं सेम. ऑलरेडी हम पॉइंट नंबर 4 पे, हमने 4 इसलिए लिखा था, ये हमने 4 इसलिए लिखा था कि ये देखिए यही दोनों ट्राइंगल के वो एंगल है, यही दोनों ट्राइंगल के ये एंगल है, ये दो दो एंगल इसी ट्राइंगल के है, वो आपस में इक्वल है. ओके, तो ये ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल आपस में प्रूफ हो जाएंगे. तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ट्राइंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी. डायरेक्ट रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम फोर एंड बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये रीजन लिखेंगे. ओके, तो हमने फोर्थ पॉइंट में क्या प्रूफ किया था, दो दो एंगल आपस में इक्वल है, दो दो एंगल आपस में इक्वल है. ठीक है, ये एंगल एपीआर का है, ये एंगल एपीआर ट्राइंगल का है, ये दोनों एंगल ट्राइंगल आर क्यू बी का है, आर क्यू बी का है. तो ये एक तरफ इससे इक्वल हो जाएगा, एक तरफ इससे इक्वल हो जाएगा. ओके, तो हमने ये प्रूफ कर दिया. तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया. अब ये सिमिलर हो गया, हमारा सेकेंड प्रूफ भी हो चुका है. ये फिर से लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड. ये हमारा सेकेंड प्रूफ था, हेंस प्रूफ्ड. अब हमारा थर्ड प्रूफ हम करेंगे जिसमें हमें वैल्यू दिया था इफ एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35 degree. अगर एक 35 है तो क्या होगा, तो हम इन ट्राइंगल बी क्यू आर लेंगे, क्योंकि हमें वो लोग ने क्या बोला था फाइंड करने को, यहां पर आर क्यू बी बोला था. तो आर क्यू बी कौन से है, आर क्यू बी कहां पर आता है, इन ट्राइंगल बी क्यू आर आता है. तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहां पे, इन ट्राइंगल बी क्यू आर मेजर एंगल R is equal to measure angle B equal to 35 degree. तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं अगेन फ्रॉम पॉइंट फोर. पॉइंट फोर से R is equal to B. यहां पर भी मैंने आपको बताया है ये चीज, R is equal to B. R is equal to B. ये भी मैंने आपको बताया है, तो वही लिखना है फ्रॉम फोर. तो यहां पर 35 degree A हमको बोला है, A 35 है, तो R और B 35 हो जाएगा. यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं. ओके, खाली फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं अभी हम. अब इन ट्राइंगल बी क्यू आर सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी, सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी, दैट इज क्यू आर बी प्लस एंगल आर बी क्यू प्लस एंगल आर क्यू बी इक्वल टू 180 degree. यहाँ पे क्या सिंपल सा रीजन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल.
ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो 180 डिग्री होता है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले के अंदर हमको, ये मैं यहां पे बना ही देता हूं, चलो यहां पर ट्राइंगल है बी क्यू आर। ओके, ये 35 है, ये भी 35 है। ओके, दोनों कितना है, 35 डिग्री है ये, ठीक है। अब इसका टोटल पूरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं, तो मैं ये फाइंड करने मुझे बोला है, ये फाइंड करने बोला तो मैं ढूंढ सकता हूं कि नहीं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, क्यू आर बी प्लस आर बी क्यू प्लस आर क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो का मेजरमेंट मुझे पता है, 35 डिग्री, और यहां पर हम यही ढूंढने वाले हैं, आर क्यू बी ढूंढने वाले हैं, और ये 180 डिग्री, 35 35 70 इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेट्स राइट इट डाउन इन वन स्टेप, 180 माइनस 70 डिग्री। ओके, देयरफॉर आर क्यू बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से ये तो हमें मिल गया, फाइंड करने बोला था, 110 डिग्री हमको आंसर आ गया, आर क्यू बी का मेजरमेंट पूछा था, 110 है, यहां पर क्या है, 110 है। ओके, तो ये भी हमें थर्ड क्वेश्चन भी मिल गया। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेंदी है, बस आपको सिंपल चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, हम पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेप्स में डिवाइड कर दो आप सम को तो बहुत आसान है। पहले स्टेप में हम फर्स्ट सर्कल में आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में सेम चीज कर रहे हैं लेकिन दूसरे सर्कल के अंदर, पूरा चीज सेम है यहाँ पर लेकिन दूसरे सर्कल के अंदर, और फिर वो दोनों में से हमने एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन डिराइव किया। तीसरा स्टेप यहाँ पर हम वर्टिकली ऑपोजिट का कर रहे हैं, जहां पर हम वर्टिकली ऑपोजिट प्रूफ करते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट प्रूफ करने पर हम 1 2 3 को कंपेयर करते हैं, 1 2 3 को कंपेयर करते हैं, तो यहां पर लॉजिक पता पड़ता है कि बाबा ये चारों आपस में इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, ये इक्वल है, जिससे मैं फर्स्ट और लास्ट को लेता हूं, दैट इज ए एंड बी, ए और बी को मैं बताता हूं कि ये तो इक्वल है, और अगर दो लाइन के बीच में अल्टरनेट एंगल इक्वल आएगा, तो वो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो मेरा पहला प्रूफ उसी तरह से सिंपल बेसिक चीजों के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रूफ हो जाता है, पैरेलल लाइंस। और फिर यही दोनों फोर्थ स्टेटमेंट को ही यूज करके सिंपल सा एक ही लाइन लिखता हूं कि मैं ए ए टेस्ट होता है, दो एंगल अगर आपस में इक्वल होते दो ट्राइंगल्स के तो वो सिमिलर हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर तो सिंपल सा लाइन लिखना है, और ये लॉजिक भी हम पहले ही समझ चुके हैं कि चारों एंगल आपस में इक्वल थे, तो एक का मेजरमेंट वो लोग ने मुझे यहाँ पर दिया था 35 डिग्री, यहाँ का मेजरमेंट दिया था, इसके हेल्प से मैंने ये दोनों का मेजरमेंट 35 लिख दिया, और ये ट्राइंगल के अंदर इसका मेजरमेंट बता दिया मैंने 110 डिग्री। तो बहुत सिंपल सम था एंड लेंदी था, इंपॉर्टेंट सम है। ओके, इंपॉर्टेंट सम है, होप आपको समझे। लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, फिफ्थ सम, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टार्ट। सो हमारा लास्ट सम, फिफ्थ सम, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम, लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज 3.2 प्रैक्टिस सेट। सर्कल्स दिए फिर से दो हमें। ओके, देयर इज सर्कल विद सेंटर ए एंड बी टचिंग एक्सटर्नली एट ई। ओके, यहां पर इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ई। ओके, इट मींस आपको अगेन ये चीज, ये लाइन से ये चीज समझनी है, ये लोग कोलिनियर है। ओके, फिर हमको दिया है लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट। ये जो लाइन एल है आप देख रहे हो कॉमन टेंजेंट है, एंड इट इज टचिंग द सर्कल विद सेंटर ए एट सी। यहां पे सी पे टच हो रहा है एंड सेंटर बी वाले सर्कल को बी पे टच हो रहा है। ओके, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। नाउ व्हेन आई से इट इज टेंजेंट, और अब ये देखिए सेंटर से यहाँ पे टच हो रहा है, दिस इज अ रेडियस, मतलब यहां पर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और यहां पर भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन क्या है गाइस, बहुत सिंपल सा यार, पहला हमने जो थियरम सीखा था दैट इज टेंजेंट थियरम, तो ये लॉजिक आपको क्लिक होना चाहिए जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हो कि टेंजेंट यहां पर टच हो रहा है। ओके, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड सीडी, हमको फाइंड क्या करना है, सीडी फाइंड करना है, एंड इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है कि दिस रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, ये एक 4 सेंटीमीटर है और दूसरा एक 6 सेंटीमीटर है, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया है। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, मैंने ऑरेंज ऑरेंज सेम बनाया क्योंकि ये एक ही सर्कल का रेडियस है, तो ये सेम होगा, मतलब ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, वेरी सिंपल।
एंड दूसरे वाले में ब्लू वाला 6 सेंटीमीटर हमको बोला है, तो ये भी 6 है, तो ये ही सर्कल का रेडियस है, तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें एक और चीज ध्यान दो, ए बी, ए बी का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, देखो 4 एक्सटर्नली टच हो रहा है, तो रेडियस आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 6 10 सेंटीमीटर होगा। ये भी आपको लॉजिक पहले समझना है, ठीक है। नाउ हमें तो इंटरेस्ट है यहां का डिस्टेंस ढूंढने में, सीडी का डिस्टेंस हमें पता लगाना भैया कितना है, ये डिस्टेंस हमें पता लगाना कितना है, तो कैसे करें, तो इसमें हमें सबसे पहला काम करना है कंस्ट्रक्शन। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, हमें एक लाइन परपेंडिकुलर बनानी है, हमें एक लाइन परपेंडिकुलर बनानी है। वी आर सपोज टू मेक लेट्स से ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी, ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी बनाऊंगा मैं यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हो, सो दिस इज माई कंस्ट्रक्शन, ये मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन है जहां पर मैंने खुद ही बोल रहा हूं कि ये मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं। परपेंडिकुलर मतलब क्या, इधर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब क्या, इधर 90 डिग्री है, कॉमन सेंस से दोनों तरफ 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो आई एम सपोज टू कंस्ट्रक्ट, पहले यहां लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्ट ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी, बी डी से परपेंडिकुलर ये बनाना है। अब ये क्यों किया मैंने, ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद मेरा मेन मुद्दा है कि क्वाड्रिलेटरल ए एम डी सी, इसको ट्रैक करो जरा यहां पर, ए एम डी सी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको मैं रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहता हूं। क्या प्रूफ करना चाहता हूं, रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहता हूं। रेक्टेंगल प्रूफ करूंगा तो मुझे कुछ वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा यहां पर लॉजिक है, सीडी तक पहुंचने का लॉजिक है, मैं इसको पहले रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहता हूं ताकि मैं एएम की वैल्यू ढूंढू, एएम की वैल्यू ढूंढूंगा और मुझे सीडी की वैल्यू सेम मिलेगी। मैं एएम की वैल्यू फाइंड करूंगा और बोलूंगा सीडी की वैल्यू वही होगी क्योंकि रेक्टेंगल होगा तो इक्वल हो जाएगी। अब सवाल उठता है एएम की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, सवाल आता है एएम की वैल्यू तक कैसे पहुंचे। तो यहां पर अब ये ट्राइंगल देखेंगे आप, ए एम बी, ये ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल के अंदर आप नोटिस करेंगे, ट्राइंगल के अंदर आप नोटिस करेंगे कि यहां पर 90 डिग्री है। जब भी मैं बोलता हूं 90 डिग्री है ट्राइंगल के अंदर, आपके दिमाग में क्लिक होना ही चाहिए, पाइथागोरस क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में। तो ये ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस यूज करता हूं, तो देखिए ये हाइपोटेन्यूस है जिसका मेजरमेंट मैं 10 सेंटीमीटर आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। रहा सवाल ये मेजरमेंट कैसे ढूंढेंगे, तो ये तो हम अभी आसानी से ढूंढ लेंगे, उसका कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये मैं पाइथागोरस यूज करके ए एम की वैल्यू फाइंड करूंगा, ए एम की वैल्यू जो होगी वो ही मेरी सी डी की वैल्यू होगी क्योंकि मैं इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने वाला हूं, ओके। तो ये चीज अब यहां पर हम सेंटेंस वाइज सारा करेंगे। सो पहले तो आपको ये सब एक्सप्लेन कर दिया हमारा क्या होने वाला है, फॉर्मेट पूरा कैसे हम जाने वाले हैं, हमारे स्टेप्स क्या होने वाले हैं। लेट्स मूव एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग अवर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन यहाँ पे मैंने फिर से ट्राइंगल बना के रखा है, मेरा रेड लाइन जो है वो मेरा कंस्ट्रक्शन है, दैट वाज एएम परपेंडिकुलर टू बीडी, ओके। एंड ऑलरेडी हमको पता है टेंजेंट रेडियस की वजह से ये भी 90 डिग्री है, तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल में 90 डिग्री बोल चुका हूं, तो चौथा एंगल तो अपने आप 90 होगा ना, टोटल 360 होता है। तो ये लॉजिक से ही यहाँ पर मैं अभी रेक्टेंगल प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें अब हमें लिखनी है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लाइन सीडी इज अ टैंजेंट, जो सब गिवन होता है वही सब लिखा जाता है पहले। लाइन सीडी इज टैंजेंट, ये टैंजेंट है किसको, किसको टैंजेंट है वो लिखेंगे, टैंजेंट टू सर्कल, सर्कल विथ सेंटर ए, ए एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा कि बाबा ये जो लाइन है सीडी है वो ए वाले जो सेंटर वाला जो सर्कल है उसको वो सी पर मिलती है, ओके, एट पॉइंट सी। एंड इट इज ऑल्सो एंड टू सर्कल विथ सेंटर बी एट पॉइंट डी। तो बी वाले सर्कल, बी वाले सेंटर के साथ वो डी, डी पे टच करती है, तो ये बात मेरे को बतानी है। अब यहां पर मैं बोलूंगा देयरफॉर डायरेक्ट देयरफॉर ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी
डी सी दोनों का मेजरमेंट क्या होगा गाइस 90 डिग्री. रीजन क्या होगा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डिस्कस कर चुके हम लोग. टेंजेंट थ्योरम हमने टेंजेंट थ्योरम यही सीखा है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर दी और ये मेरा पॉइंट नंबर वन जो मैं आगे यूज करने वाला हूँ. ये दोनों एंगल मैंने क्या बता दिए 90 डिग्री बता दी. ये एंगल और ये एंगल मैंने क्या बता दिया 90 डिग्री बता दिया. ओके सो इन क्वाड्रिलैटरल ए एम डी सी, ये क्वाड्रिलैटरल जो है ए एम डी सी जो आप देख रहे हो, ए एम डी सी क्वाड्रिलैटरल जो देख रहे हो उसके अंदर मेजर एंगल ए एम डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये तो हमारा बाय कंस्ट्रक्शन आया, हमने ही कंस्ट्रक्शन किया था ना. ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी बोला तभी ये 90 डिग्री हो गया. तो यहां लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन. ऑल्सो ये पॉइंट को हम पॉइंट नंबर टू दे देंगे ताकि वन और टू को हम यूज करने वाले हैं आगे. ओके फ्रॉम वन एंड टू इससे ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं. तो मैं लिखूंगा ए सी डी इक्वल टू बी डी सी इक्वल टू ए एम डी. ये तीनों आपस में इक्वल होके 90 डिग्री हो जाते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल के सम में देयरफोर सम टोटल ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल एंगल दैट इज सबको ऐड करूंगा मैं ए सी डी प्लस बी डी सी प्लस ए एम डी प्लस एम ए सी इक्वल टू 360 डिग्री. यहां पे क्या लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. आपको फुल फॉर्म लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए. आपको फुल फॉर्म लिखना है सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है. इसमें से ये तीन की वैल्यू मुझे पता है 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो अपने आप ये आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस करके बोल चुका हूं कि इसका मेजरमेंट भी हमें क्या मिलने वाला है, इसका मेजरमेंट भी हमें क्या मिलने वाला है, एमएससी का मेजरमेंट क्या मिलने वाला है हमको 90 डिग्री. सो इसको सॉल्व करेंगे हम तो डायरेक्ट हो जाएगा देयरफोर एंगल एम ए सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 करके हम ऐड कर देंगे, ये तरफ लेके आ जाएंगे और माइनस 270 डिग्री करेंगे. ओके ये स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे बच जाएगा 90 डिग्री. तो यहाँ पर बड़े आसानी से एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैंने चारों एंगल को 90 डिग्री बता दिया. Therefore, तो मैं क्या लाइन बोल सकता हूं कि क्वाड्रिलेटरल ए एम डी सी इज अ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है ये क्योंकि इसके चारों एंगल मैंने अभी 90 डिग्री प्रूव किए हैं. इसका मतलब रेक्टेंगल अगर है तो उसके ऑपोजिट साइड्स यानी कि ए सी विल बी इक्वल टू एम डी एंड सी डी will be equal to EM. तो देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमको ये चीज करनी है. ओके तो ये हमारा हम पॉइंट्स आगे यूज करने वाले हैं. तो फिलहाल इसको हम पॉइंट आगे दे देते हैं. हमने क्या पॉइंट यूज किए 1 2, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 and 4 हो जाएगा. 3 and 4. ओके एंड इसका रीजन क्या होगा, दे आर साइड्स ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. यही रीजन है इसका, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट. ओके तो ये साइड आपस में इक्वल हो गए. नाउ अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये मेजरमेंट हमें पता है, एसी का मेजरमेंट पता है क्योंकि रेडियस है. तो रेडियस का मेजरमेंट हमको पता था, तो रेडियस का मेजरमेंट कितना था यहाँ पे 4 था. तो अगर एसी 4 है तो ये इससे इक्वल हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 4. तो एसी अगर 4 है तो एमडी कितना हो जाएगा 4. तो मैं यहां लिखूंगा सिंस लेंथ ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. क्यों बाबा, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल और गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये है ना क्वेश्चन में दिया है ये लोग. देयरफोर लेंथ एम डी ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. एम डी भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके एकदम सिंपल सा लॉजिक ये, ठीक है. तो यहां क्या लिख देंगे, ये इक्वल है आपस में, राइट. तो यहां पे फ्रॉम 3 लिख देंगे क्योंकि 3 पॉइंट पे हमने बताया था, थर्ड वाले पॉइंट पे हमने बताया था कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है. तो फ्रॉम 3 यहां पे हमने ये लिख दिया. अब दूसरा चीज हम आगे अब देखेंगे कि हमें अब दूसरा यहां पे डायग्राम में देखेंगे
हमें, मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी तरफ जा रहा हूँ, मुझे पूरा इंटरेस्ट है बीएम की वैल्यू ढूंढने में, इस चीज में इंटरेस्ट है, बीएम की वैल्यू ढूंढने में इंटरेस्ट है। और यहाँ पे नोटिस करो बी डैश एम डैश डी, एम ये उसी लाइन के ऊपर है, तो बी एम प्लस एम डी इज नथिंग बट बी डी, एंड बी डी की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है क्योंकि ये रेडियस है। बी डी की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे, 6 सेंटीमीटर दी गई है। ओके और अभी मैंने एम डी की वैल्यू कितनी निकाली, 4 निकाली, तो कॉमन सेंस बताओ 6 में से ये 4 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी विच इज 2 सेंटीमीटर। ओके तो इस तरह से मैंने बी एम की वैल्यू ढूंढ ली। ओके चलो तो यहां पर हम लिखेंगे ये चीज। अब ऑल्सो लेंथ बी एम इज इक्वल टू लेंथ बी डी माइनस लेंथ एम डी। रीजन क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं इसलिए ये रिलेशन वर्क करता है। अब मुझे वैल्यूज पता है इसका, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ बी एम इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आप फिर से एक और बार डायग्राम पे ध्यान देंगे कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ये ट्राइंगल मैंने जो आपको बताया था, ओके ये ट्राइंगल जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमने ये वैल्यू ढूंढ ली 2 सेंटीमीटर, हमने ये स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि ये 4 और यहां से ये 6, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस की मदद से मैं ये ए एम की वैल्यू ढूंढ लूंगा और सामने उसके सी डी जो उसका इक्वल है वो वैल्यू मुझे अपने आप मिल जाएगा। ओके सो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, लेंदी सम है थोड़ा लेकिन बहुत ही इजी सम है। तो अब मेरा काम क्या है, ये वैल्यू को लिखना, 4 और 6 10 होता है ये बताना, तो वो चीज लिखूंगा मैं यहाँ पे। ऑल्सो नेमिंग क्या था, तो ए बी लाइन में है राइट, तो ए प्लस ई बी लिखेंगे हम यहाँ पे। लेंथ लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ए प्लस लेंथ ई बी। ओके यहां पर ए बी और यहाँ पे ई। ओके तो ये हमको 4 प्लस 6, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है, और ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ये कोलिनियर है, ए बी आर इन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, तो लेंथ ए बी हमको मिल जाता है 10 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मिल जाता है। ओके अब इसको भी हम यूज करने वाले आगे। ओके तो इसको भी हम पॉइंट दे देंगे और ये भी हम आगे यूज करने वाले हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पॉइंट दे दिए, 4, तो अब 5 और 6, इसको 5 और इसको 6 पॉइंट दे दिए। ओके एंड अब जैसे मैंने बोला था ट्राइंगल की बात करेंगे, तो इन ट्राइंगल ए एम बी मेजर एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कैसे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही किया था ये चीज तो, राइट, देयरफोर बाय पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री बोलू वैसे पाइथागोरस क्लिक होना चाहिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें ए एम की वैल्यू ही मुझे फाइंड करनी है, तो बाकी के टर्म्स इधर आ जाएंगे। ए बी की वैल्यू है मेरी 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर माइनस बी एम हो जाएगा, ये प्लस इधर आके इधर माइनस हो जाएगा, बी एम की वैल्यू 2 थी तो 2 स्क्वायर, तो दैट इज 100 माइनस 4, दैट इज 96। 96 याद रखो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि 4 4 6 16 इंटू 6 जो होता है, 96 होता है जिसमें से 16 का स्क्वायर रूट है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 रूट 6 सेंटीमीटर्स। एएम की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 4 रूट 6 सेंटीमीटर्स हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके सो ये वैल्यू के यहाँ पे रीजंस क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 5, यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया था हमने, 5
एंड सिक्स, तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम फाइव एंड सिक्स, ओके ये मिल गया। हमने ऑलरेडी ऑलरेडी यहां पर हमारा पॉइंट नंबर फोर में ए एम को सी डी से इक्वल बताया हुआ है, तो हम लिखेंगे हमारा फाइनल लाइन, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, देयरफॉर लेंथ सी डी इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर्स क्योंकि फ्रॉम 3 हमको मिलता है कि ए एम जो है वो ही सी डी से इक्वल है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि सी डी का लेंथ जो ओरिजिनली वो लोग ने मुझे सी डी का लेंथ पूछा था, दैट इज 4√6 सेंटीमीटर्स, ओके लेंथी सम है, लेकिन आपको देखो टोटल कितने हमारे 1, 2, 3, 4 स्लाइड्स में चला गया ये, वैसे पेज में तो ये एक लेंथी बड़े पेज में आ सकता है, सिंपली डायग्राम अच्छे से बनाना है नीट एंड क्लीन, ओके एक क्विक रिविजन करते हैं, 2 सर्कल दिए थे हमको, ओके हमने सबसे पहले टेंजेंट क्रॉस हो रही थी, हमने सबसे पहले रेडियस यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, कैसे टेंजेंट थ्योरम, ओके कंस्ट्रक्शन कर दिया था, कंस्ट्रक्शन हमने खुद ही 90 डिग्री कर दिया था, तो पर्टिकुलर ये वाले रेक्टेंगल जो फॉर्म हुआ है, ये वाला जो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है उसमें हमने 3 एंगल को तो 90 डिग्री बता दिया, 3 को 90 बता दिया तो चौथा अपने आप 90 हो जाएगा, तो बाबा ये 90 कर दिया, ये 90 करते ही हमने उसको बोल दिया रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो एक्चुअली में एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल हो गया तो उसके जो साइड्स है वो आपस में ये जो इतना साइड और ये इतना साइड, ये आपस में इक्वल हो गए और ये सी डी इससे इक्वल हो गया, ओके उसके बाद हमने पूरा फोकस कर दिया हमारे ये वाले ट्रायंगल की इधर फोकस कर दिया, और हमने एक एक वैल्यू निकालना चालू किया, हमने बीएम निकाला, कैसे निकाला, 6 माइनस 4 करके हमको ये 2 मिल गया, और यहाँ पर हमने 4+6 करके ये 10 निकाला, ओके और दोनों के बाद हेल्प से हमने पाइथागोरस की मदद से हमने एएम की वैल्यू ढूंढी, एएम की वैल्यू हमने पहले ही इक्वेट कर दी थी सीडी से, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 4√6 सेंटीमीटर, ओके वेरी इंपॉर्टेंट सम, होप आपको समझ में आया, दैट वॉज द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज 3.2 हमने सर्कल्स का किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, होप आपको सारे सम समझ में आए होंगे, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।